व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड, अब अगला स्टेज आता है, अब मैं यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के लगभग निकलने लगा और अब मुझे विदेश जाना था. ट्राई टू अंडरस्टैंड, फ्रॉम ए चाइल्डहुड स्कूल गोइंग चाइल्ड आई हैव कम टू बिकम ए यंग मैन नाउ प्लानिंग टू गो अब्रॉड. अब्रॉड मैंने विदेश. फर्दर स्टडीज मतलब आगे की पढ़ाई. फर्दर यानी आगे, आगे बोलो से फर्दर, से फर्दर. तो फर्दर मतलब आगे. व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज आई वाज श्योर माय ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. अपसेट मतलब नाराज, अपसेट मतलब दुखी. मुझे पता था कि जब मैंने विदेश जाने का तय किया अपने उच्च अध्ययन के लिए, और ये बात मेरी माँ को पता लगेगी, दादी माँ को, तो वो और ज़्यादा अपसेट होंगी. देखिए कैसे ग्रैंडसन अपनी भावनाओं को अपने दादी के प्रति, जो उसकी भावनाएं हैं, उसको व्यक्त कर रहा है. वो एक के बाद एक लगातार बताते जा रहा है कि दादी माँ सुंदर थी, दादी माँ मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, दादी माँ के साथ मैं एक कमरे में रहता था, दादी माँ की ये अच्छी बातें थीं. लेकिन ये सब होते हुए भी धीरे धीरे समय के साथ साथ मेरी मित्रता उससे कम होती जा रही है, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना है, पढ़ाई के लिए मुझे स्कूल जाना पड़ा, पढ़ाई के लिए मुझे यूनिवर्सिटी जाना पड़ा, पढ़ाई के लिए मुझे कमरा छोड़ के यूनिवर्सिटी में रहना पड़ा, और अब मुझे कहाँ जाना है, विदेश. सो नाउ आई हैव टू गो फॉर फर्दर स्टडीज एंड आई न्यू आई वॉज श्योर दैट माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट. मुझे मालूम था कि मेरी ग्रैंड मदर अब नाराज होंगी. आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल. ट्राई टू रीड दिस लाइन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटिमेंट इन दिस लाइन. मैं 5 वर्ष के लिए बाहर रहूँगा और उसकी उम्र में जब वो इतनी वृद्ध हो चुकी थी, उनको ये बताना कि मैं 5 साल के लिए जा रहा हूँ मेरे लिए संभव नहीं था. आई कुड नेवर टेल हर, वन कुड नेवर टेल हर एट दैट एज दैट हर डियर ग्रैंड चाइल्ड इज गोइंग अब्रॉड, दैट टू फॉर 5 years. लेकिन बट माई ग्रैंड मदर कुड, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन मेरी दादी माँ ने ये सब सुनने के लिए तैयार थी, वो सुन सकती थी. मुझे पता था उनको कोई ऐसा विशेष झटका नहीं लगेगा. तो ग्रैंड सन नोज हर ग्रैंड मदर सो वेल, हिज ग्रैंड मदर सो वेल, दैट ही सेज कि उनकी उम्र में ऐसी बात किसी को बताने से झटका लग जाएगा. लेकिन मुझे पता था कि मेरी ग्रैंड मदर इसको सुन लेगी और उसे कुछ होगा नहीं. बट माई ग्रैंड मदर कुड, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. जब उनको ये बात बताई गई कि 5 साल के लिए मैं जा रहा हूँ, तो कुछ ऐसा सेंटिमेंटल भी नहीं रही, भावनात्मक एक्सप्रेशन भी चेहरे में नहीं आया. बस उन्होंने सुना, अच्छा ठीक है जा रहे हो, ओके. क्योंकि वो मेरी ग्रैंड मदर वैसी थी, समय के साथ साथ समय की कड़वाहट को झेलते हुए वो जी रही थी. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट शो हर इमोशन. मेरी विदेश यात्रा की जो शुरुआत हुई, तो मुझे मेरी ग्रैंड मदर मुझे छोड़ने आई रेलवे स्टेशन, लेकिन कहीं भी इमोशन नहीं दिखाया उन्होंने, अपने अंदर की भावनाओं को उन्होंने व्यक्त नहीं किया. यदि उनको रोना आ रहा था तो आंसू नहीं गिराए, हो सकता है आ रहा होगा. यदि उन्हें बहुत दुख हो रहा था तो उन्होंने दिखाने की कोशिश नहीं की, हो सकता है बहुत दुखी हो रही हूँ, लेकिन उन्होंने दिखाया नहीं. शी नेवर एक्सप्रेस्ड हर फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को, अपने अंदर की जो उनकी जो चिंताएं थीं बेटे के, ग्रैंडसन के विदेश जाने के परिप्रेक्ष्य में, उन्होंने उसको नहीं बताया. माय ग्रैंड मदर कुड नॉट, शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल. शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन. उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अरे बेटा
मेरे को बहुत चिंता हो रही है कि तुम चले जाओगे विदेश में और वहाँ बहुत ठंड। कोई चिंता जाहिर नहीं की, चुप रही, भावनाओं को भी व्यक्त नहीं किया। हाँ, लेकिन अपनी जीभ से, हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो होंठ थे उसमें वो लगातार बुदबुदा रही थी, लगता है प्रार्थना कर रही थी। हर लिप्स केप्ट मूविंग इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी। रोजरी मतलब, जैसा मैंने बताया, जपने की माला। बीट्स मतलब उसके दाने, जो माला रहती है, माला में जो गोल 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 दाने, उसको बीड कहते हैं। तो ये जो माँ जो लगातार, बस ग्रैंड मदर जो है, बस केवल प्रार्थना में ही व्यस्त रही, जीभ से प्रार्थना बुदबुदा रही थी, मन में भी प्रार्थना ही थी, और हाथ में जो माला पकड़ी थी वो, मुझे स्टेशन छोड़ने आई थी फिर भी माला नहीं छोड़ी वो, तो उसको जपती रही। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, और वैसे ही चुप रहते हुए उन्होंने मेरा माथा चूमा। फोरहेड, FORE, फोर आगे का, सिर के आगे का हिस्सा, हेड माने सिर, फोर माने आगे। तो शी साइलेंटली टच्ड माई, किस्ड माई फोरहेड, और उन्होंने बड़े शांत तरीके से, बड़े धीरे से मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और फिर जब मैं उसके बाद ट्रेन में बैठ गया और ट्रेन चली, तो मैंने माथे को छुआ तो वो मॉइस्ट था। एंड व्हेन आई लेफ्ट, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। इस पंक्ति को भी खास देखें। माँ ने मुझे, ग्रैंड मदर ने मुझे छुआ, मेरे माथे को चूमा, और उसके बाद जब मैं ट्रेन की ओर चला तो अचानक मेरा हाथ उस हिस्से पर, उस जगह पर हुआ जहाँ पर माँ ने मुझे किस किया था। वो थोड़ा सा गीला था, मॉइस्ट, MOIST, मॉइस्ट माने आर्द्रता होना, नमी होना। वहाँ आर्द्रता और नमी क्यों थी माथे के उस हिस्से में? क्योंकि वहाँ माँ ने अपनी होंठों से, दादी माँ ने अपनी होंठों से मुझे चूमा था। तो जैसे ही मेरा हाथ वहाँ पहुँचा, उस क्षण को, उस जगह को, उस फीलिंग को मैंने बहुत चेरिश किया। चेरिश करना मतलब तीव्र स्नेह। तो आई चेरिश दैट मोमेंट एज परहैप्स, परहैप्स मीन्स शायद, एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट। शायद वह जो माँ का जो चूमना था, दादी माँ का, शायद वह मेरे लिए आखिरी क्षण था हम दोनों के बीच में किसी तरह के शारीरिक कॉन्टैक्ट का, एक दूसरे के शरीर को छूने का, शायद ये आखिरी मेरा अनुभव, ऐसा मुझे लगा। साइलेंटली शी किस्ड माय फोरहेड, एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश्ड द मॉइस्ट प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। ऐसा लगा कि शायद ये जो किस है माँ का, ये शायद अंतिम संपर्क, शारीरिक संपर्क है, कॉन्टैक्ट हुआ है। याद रखेंगे ये लाइन, क्योंकि आगे कहानी इसी के साथ किस दूसरी दिशा में बढ़ती है। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं था। ये है दूसरा टर्निंग पॉइंट। मैं जो सोचता था कि माँ का ये जो किस है, और जो मॉइस्टनेस है, जो नमी है, जो आर्द्रता यहाँ पर आई है उनके होंठ से किस करने के कारण, वो शायद मेरा आखिरी कॉन्टैक्ट है, ऐसा करके मैं ट्रेन में बैठ गया, ट्रेन चल पड़ी। लेकिन ऐसा नहीं था। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। उसी स्टेशन पर फिर मेरी ग्रैंड मदर मुझे मिली। 5 साल बाद जब मैं वापस आया अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश से, मेरी ग्रैंड मदर सामने खड़ी थी रेलवे स्टेशन में मुझे लेने के लिए। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम एंड वॉज मेट बाय हर एट द स्टेशन। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, एक दिन भी ज़्यादा वृद्ध नहीं लग रही थी।
यानी उतनी ही वृद्धा दिख रही थी जितनी 5 वर्ष पहले थी। और ग्रैंडसन तो शुरू से कह रहा है कि पिछले 20 साल से मेरी दादी माँ जैसी दिखती थी वैसे ही दिख रही हैं, कोई अंतर नहीं आया है। 20 साल के बाद ये 5 साल और निकल गए, दादी माँ वैसे ही, सफ़ेद बाल, छितरे हुए बाल, सफ़ेद साड़ी पहने हुए, कमर झुकी हुई, विथ वन हैंड रेस्टिंग, वन आर्म रेस्टिंग ऑन द शोल्डर, ऑन द वेस्ट, अनदर आर्म विद बीड ऑन हर हैंड, कॉन्स्टेंटली प्रेयरिंग एंड डूइंग प्रेयर्स एंड सम काइंड ऑफ मूवमेंट इन द लिप, शायद वो बुदबुदारी। तो 25 साल से मेरी दादी माँ वैसी दिख रही थी, और लो, आई कम बैक आफ्टर 5 ईयर्स, गेट डाउन एट द रेलवे स्टेशन एंड आई फाइंड माई ग्रैंड मदर लुकिंग द सेम। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड, इस बार भी अब उनके पास बोलने के लिए समय नहीं था, पहले भी उन्होंने बोला नहीं था कुछ, जब मुझे विदा करने आई थी उस दिन भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, आज फिर कुछ नहीं बोली। एंड व्हाइल शी क्लास्प्ड हर आर्म आई कुड हियर रिसाइटिंग हर प्रेयर, आज भी उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ, क्लास्प करना, क्लास्प मतलब गले लगा लेना, जब उन्होंने अपने दोनों हाथ से मुझे गले लगाया तो मैंने उनकी आवाज़ सुनी, प्रार्थना करती हुई आवाज़, यानी अभी फिर वही प्रार्थना की आदत चल रही थी जो 5 साल पहले थी, जो उसके भी पहले बहुत समय से मैं देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ मैं कि वो होंठ से कुछ बुदबुदाती रहती थी, अभी भी मेरे आने के बाद भी माँ में कोई अंतर नहीं आया था दादी माँ में, हाँ अभी भी वैसे ही चुप रहीं, लेकिन उन्होंने मुझे गले लगाया, शी क्लास्प्ड हर आर्म अराउंड मी एंड आई हर्ड शी इज़ रिसाइटिंग सम प्रेयर्स। रिसाइट मैंने पहले बता दिया, जोर जोर से बोलना। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, ये मेरा पहला दिन था, आज जब मैं मिला हूँ दादी माँ से, उस दिन भी मैंने देखा कि माँ का जो सबसे आनंदमय क्षण था वो वही था जब वो चिड़िया स्पैरोस को दाना खिला रही हूँ। यानी 5 साल के लंबे समय के अंतराल के बाद भी मेरी दादी माँ जस की तस। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेयर विथ हर स्पैरोज हुम शी फेड लॉन्गर एंड विथ फ्रिवलस रेब्यूक्स। अब वो इतना अंतर जरूर मैंने देखा आज पहले दिन कि ये उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट, अभी भी ये क्षण उनका हैप्पीएस्ट है, पहले भी था, लेकिन अब चिड़ियों को खिलाने का जो समय है वो बढ़ गया है, लॉन्गर, नाउ द टाइम इज लॉन्गर, और साथ ही जब तब झड़क देती थी, फ्रिवलस रेब्यूक, रेब्यूक करना मतलब झड़कना, फ्रिवलस मतलब अनर्थक, व्यर्थ का, व्यर्थ में वो चिड़ियों को अब थोड़ा बहुत झड़क देती थी। पहले क्या करती थी, प्रीवियसली शी वुड जस्ट स्माइल, द बर्ड, चर्पिंग बर्ड वुड बी सिटिंग ऑन हर लेग, पर्ज ऑन हर लेग वुड बी रेस्टिंग हर शोल्डर ओवर हर हेड एंड वॉट नॉट, शी वुड जस्ट स्माइल, शी वुड नॉट इवन शू देम अवे, उसको भेजती भी नहीं थी, भगाती भी नहीं थी। बट दिस टाइम आई फाउंड सम चेंज, नॉट दैट शी हैड बिकम समथिंग एल्स, शी हैड स्टार्टेड गिविंग मोर टाइम टू द बर्ड, एंड सेकेंडली शी हैड स्टार्टेड फीलिंग, आई मीन एक थोड़ा सा नाराज़गी दिखाती थी, थोड़ा सा झड़क देती थी चिड़ियों को, अब वो चेहरे में स्माइल नहीं थी। शी वुड फीड द बर्ड लॉन्गर विथ फ्रिवोलस, फ्रिवोलस मतलब व्यर्थ, दिस इज योर फ्रिवोलस एफर्ट, ये तुम्हारा व्यर्थ का प्रयास है, एफर्ट यानी प्रयास, दिस इज ए फ्रिवोलस एक्सरसाइज, ये व्यर्थ का प्रयास है, एंड फ्रिवोलस रेब्यूक मतलब व्यर्थ की बड़बड़ाहट। ये पहले दिन की घटना है, कौन सा पहला दिन, जब ग्रैंडसन वापस आता है 5 साल बाद और जो दृश्य देखता है उसका विवरण है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द स्टोरी। इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर, एक चेंज तो मैंने दादी माँ में देखा था कि वो अब चिड़ियों को ज़्यादा समय देने लगी और थोड़ा उनको झड़कने भी लगी थी, बट इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर, एक बदलाव आया शाम को,
क्या हुआ? शी डिड नॉट प्रे. रिमेंबर, शी डिड नॉट प्रे. आज पूजा नहीं की वो. शी कलेक्टेड द वूमन ऑफ द नेबरहुड. नेबरहुड मतलब आसपास की महिलाओं को उन्होंने बुलाया. गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग. एक पुराना ड्रम बुलाया और गाने लगी. आई रिपीट इट. इन द इवनिंग ए चेंज केम ओवर. शी डिड नॉट प्रे. शी कॉल्ड द वीमेन हु वेयर अराउंड हर हाउस इन द नेबरिंग एरिया. मेड देम सिट. ब्रॉट ए ड्रम एंड दैट टू एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड बीटिंग दैट ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग समथिंग. दैट वेंट ऑन फॉर मैनी अवर्स. शी डिड दैट फॉर सेवरल आवर्स एंड थम द सैगिंग. और उसको थम्प किया. बहुत समय तक ये किया और उसको थम करती रही. एंड थम द सैगिंग स्किन ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम. सैगिंग मतलब कमजोर होता हुआ, ढीला होता हुआ. और डिलैपिडेटेड मतलब डिलैपिडेटेड, बहुत कमजोर. ड्रम जो बहुत कमजोर हो चुका था. ड्रम की चमड़ी जो थी. सैगिंग स्किन ऑफ डिलैपिडेटेड ड्रम. बहुत सुंदर शब्द है. वो जो ड्रम था उसकी जो चमड़ी थी जिसको पीटा जाता है, वह चमड़ी बहुत पतली हो चुकी थी, बहुत कमजोर हो चुकी थी, बहुत पुरानी हो चुकी थी और शायद फट भी चुकी थी. ऐसे ड्रम को वो कई घंटे तक पीटती रहीं और गाती रहीं. एंड क्या गाई? होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स के गाने. वॉरियर्स माने योद्धा. योद्धा लोग जब लड़ाई से वापस आते हैं तो परिवार वाले खुशी में जो गाना गाते हैं, मानो मेरी ग्रैंड मदर, वैसी ही शाम को बहुत लंबे समय तक ड्रम पीट पीट कर गाना गाते रहीं. और उनके श्रोता कौन थे? कौन सुन रही थे वो गाना? उनके गानों को उनकी पड़ोसी की बैठी हुई महिलाएं, जिसको उन्होंने बुलाया था. तो ये एक चेंज मैंने आज देखा अपनी दादी माँ में. द ग्रैंड सन सेज, आई सॉ वन चेंज इन माई दादी माँ इन द इवनिंग टुडे व्हेन इंस्टेड ऑफ प्रेयर्स शी कॉल्ड अप माई नेबरिंग वूमन, अदर नेबरिंग वूमन, मेड देम सिट, ब्रॉट एन ओल्ड ड्रम, स्टार्टेड बीटिंग दैट ड्रम विच वॉज वेरी ओल्ड, वेरी वीक काइंड ऑफ ड्रम. Started beating drum for hours together. Those songs were about homecoming of warriors. Dilapidated. उच्चारण सुनिएगा. Dilapidated. इसका असली अर्थ है कृशकाय, बहुत दुबला पतला. तो जो skin of the drum है, drum की चमड़ी, उसका skin जिस पर हम पीटते हैं, ठोकते हैं, वो बहुत पतला हो गया था, जर्जर हो चुका था. डिलैपिडेटेड कार जर्जर भी. इतने लंबे समय तक, जैसा मैंने कहा कि शी केप्ट ऑन सिंगिंग फॉर आवर्स टुगेदर, देन वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप. हमें माँ को परसुएड करना पड़ा, फिर उनको बार बार मनाना पड़ा, उनको समझाना पड़ा कि अब ज़्यादा स्ट्रेन मत करो, अवॉइड करो स्ट्रेन. स्ट्रेन मत करो. स्ट्रेन करना मतलब ज़्यादा जोर देना. अपने शरीर को अब ज़्यादा जोर मत दो. दादी माँ तो अपने ग्रैंडसन के आने की खुशी में, आज उन्होंने अपना रूटीन बदल दिया था. इंस्टेड ऑफ प्रेयर्स, नाउ शी हैड कॉल्ड द वीमेन, प्लेइंग द ड्रम्स, सिंगिंग सॉन्ग्स विच आर नॉर्मली संग फॉर वॉरियर्स आफ्टर दे कम बैक होम आफ्टर द वॉर. And for hours. So, we all decided, we all started persuading her. उन्हें समझाने बुझाने की कोशिश की हमने. We all started persuading her to stop. Why? Don't overstrain yourself. अपने को ज़्यादा कष्ट मत दो, तकलीफ मत दो. बहुत जल्द, बहुत देर से गा रहे हो दादी माँ, अब रुक जाओ. That was the first time since I had known her that she did not pray. ये पहली बार था जब से मैं जानता हूँ जब आज शाम को उन्होंने प्रार्थना नहीं की. That was the first time
Since I had known her, that she did not pray. अब उन्होंने प्रार्थना नहीं की शाम को, ये पहली बार ऐसी घटना हुई जब से मैं जानता हूँ. The next morning she was taken ill. अगले दिन सुबह. To take ill मतलब बीमार पड़ जाना. To take ill. Ill मने बीमारी. Ill मने बीमार. और बीमार पड़ जाना मतलब to take ill. यदि केवल टेक शब्द लें, टू टेक मतलब लेना, लेकिन इल के साथ यदि जुड़ता है तो टू टेक इल मतलब बीमार पड़ जाना. माय ग्रैंड मदर वॉज टेकन इल, शी फेल इल, बीमार पड़ गई. इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. जब सुबह हुई, रात में इतने लंबे समय तक गायन के बाद वो सोई होंगी, सुबह हुई तो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, थोड़ा बीमार लग रही थी. उनको हल्का बुखार था, माइल्ड फीवर. इट वॉज नॉट अ स्ट्रॉन्ग फीवर, इट वॉज अ माइल्ड फीवर. एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो. हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, ये चला जाएगा, बुखार माइल्ड है, ज़्यादा चिंता की बात नहीं है. बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली. लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अलग सोच रही थी, उनकी सोच अलग थी, उन्होंने कुछ और सोच रखा था.